नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र इस महंगाई के दौर में जनता के बजट में बचत का एक सहारा बन रही है। यहां दवाइयां पहले से 50-90% की बचत में मिल रही हैं, जो आम जनता को भारी राहत दे रही हैं। जब हमने इस दुकान पर दवाई लेने वालों से बात करी तो सुनिए उनका क्या कहना था। क्या नाम है सर? गुरबचन गुराठी। अब यहां बाहर के भी से दवा लेते हैं और यहां पे लेने कितने का फर्क है? हमें कम से कम इसका जो है 50% से भी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो जहां दवाई हम पीछे ये ले रहे थे 300-350 की, हमें मिली है यहां से 160-170 रुपए की। हमें बहुत फायदा है। कई दवाई ऐसी है जो नहीं है इनके पास, वो भी अगर हो जाए तो बहुत फायदा होगा। तो क्या लग रहा है कि इस जगह जन औषधि केंद्र खुलने से कितनी पब्लिक को फायदा होगा? बहुत ज्यादा, कम से कम भी 90% का फायदा हमारे हिसाब से प्राप्त है। अब बात करें तो महीने के ये लगभग कितने खर्चे आपके जो बाहर के में से दवाई लेते थे और यहाँ से लेंगे तो कितना का फर्क पड़ेगा? हमें कम से कम भी जो हम दवाई दे रहे हैं हमें कम से कम 50% का तो फर्क पड़ ही रहा है। बाकी कई दवाई ऐसी है जो नहीं है, वो जरूर अगर हो जाए तो बहुत अच्छा। अच्छा, वो दवाई जो आपने बताया कि इनके पास नहीं है तो ये क्या इन्होंने कुछ बताया? मैं इनको लिखवा गया था पीछे, लेकिन अभी आई नहीं है। मैं दूसरे केंद्र पे भी गया था, उन्होंने कहा एक हफ्ते तक आ रही थी, लेकिन अभी आई नहीं है। दवा मिल जाएगी? मिल जाएगी कह रहे हैं। कई दवाई ऐसी है जैसे D5 है, इनके पास D10 है, वो क्योंकि दवाई छोटी होती है गोली तो तोड़ तो सकते नहीं है, इसलिए अगर वो मिल जाए तो ज्यादा अच्छा। अच्छा, इन्होंने आपके दुकान पे तो उन्होंने बताया कि मिल जाएगी, टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। क्या लग रहा है इस एरिया में जन औषधि केंद्र खुलने से कितना पब्लिक को फायदा होगा? बहुत फायदा होगा और जैसे जैसे लोगों में इसका साउंड कम कराना पड़ा, जैसे जैसे लोगों को पता लगता है वो आते हैं यहाँ। मुझे भी जैसे अपने पता था, मेरी वाइफ को सांस का रैप प्रॉब्लम है, वो फोरोकॉट लेती थी, मुझे पता ही नहीं था, अब पता लगा कि फोरोकॉट भी आपके पास। अब दवा ले रहे हैं, काफ़ी टाइम से दवा ले रहे हैं। हाँ, मैं बस 2-3 महीने से ले रहा हूँ। और महीने की बात करें कि महीने के लगभग आप इसके जो खर्चा कर रहे थे उसमें अब यहाँ से दवा लेते तो कितना का फर्क पड़ेगा? एवरेज मतलब 40% तो है ही, 40-50% किसी में कम है। आप जैसे वो डाइपर है, एडल्ट डाइपर, उसमें बहुत कम फर्क है। अच्छा। वो बाजार में मिल जाता है 40-45 का, यहाँ 35 का बिकती होगा। अच्छा, तो उसमें फर्क कम है ना। अच्छा, दूसरा प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स मैं लेता हूँ, उसका काफ़ी फर्क है, उसमें 50% फर्क है। बाजार से 90 रुपये में मिलता है, यहाँ 50 रुपये में मिलता है। क्या नाम है सर? अमित कुमार। अमित जी, जन औषधि केंद्र ये आपकी है, यहाँ जनता भी है, बहुत तरह के लोग यहाँ आपसे, क्या दवा किस तरह से लोग का यहाँ आना लगा रहा है? यहाँ लोग आते हैं तो पहले सबसे पहले वो अपना प्रिस्क्रिप्शन हो या जो उनके मेडिसिन रेगुलर यूज है तो अपना नाम से भी करते हैं कि हमें ये मेडिसिन चाहिए। हमारा मेन काम होता है कि उनको सॉल्ट के बारे में बताना कि हमारे पास सॉल्ट मिलता है, ब्रांड नहीं मिलेगा हमारे पास सॉल्ट के नाम से, जो भी आपका ब्रांड है उसका अल्टरनेट हम सॉल्ट, आपका सेम सॉल्ट होगा क्योंकि कंपनी आपका चेंज हो जाता है, आपका जो ब्रांड कंपनी है जैसे सिमला है, सनफार्म है, वो चीज़ हमारे पास नहीं मिलेगा, हमारे पास जन औषधि का मिलेगा। ये चीज़ होता है समझा के कई लोग मतलब बहुत ऐसे अभी कुछ लोग भी मिले थे वो कह रहे थे दवाई नहीं मिल रहा है, टाइम भी है, तो क्या लग रहा है वो दवाई के जो से आपको लिखवाया था वो दवा कब तक आ जाएगी आपके पास? कई मतलब एक लिमिट है, लिमिटेशन में अभी जो जन औषधि का मेडिसिन है मतलब लोकल मेडिसिन तो अभी नहीं है ना, जितने सॉल्ट धीरे धीरे मतलब आ रहे हैं मार्केट में, जैसे जैसे वो लॉन्च करेंगे फिर हमारे पास अवेलेबल होगा, फिर हम कस्टमर को आगे, क्योंकि उसमें सारे अभी सॉल्ट नहीं आए। बाकी भी केमिस्ट की दुकान है, इस दुकान से आपकी दुकान में कुछ ज़्यादा फर्क है? ऐसा तो कुछ नहीं है, फर्क तो कुछ नहीं है, बस यही है हमारे पास अभी जो लिमिट है मतलब लिमिट का सॉल्ट है, कुछ चीज़ है जो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं होते हैं, जो पीछे से जैसे जैसे सॉल्ट आता है उसी हिसाब से हमारा वेराइटी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, जैसे जैसे वेराइटी इम्प्रूव होगा फिर सेल से भी ऑटोमेटिक है कि हमने ये देखने को मिल रहा है जन औषधि केंद्र पे हमेशा ग्राहक 2-4-10 हमेशा ऑलरेडी रहते हैं,
बाकी केमिस्ट पे कम होते हैं क्योंकि वहाँ छूट नहीं मिलती है, छूट है इसके क्या रहा है। तो हर एक लोग को हम भी अगर कहीं चीज़ किसी भी चीज़ का परचेज करने चाहते हैं कहीं भी मार्केट में, तो हम भी ये सोचते हैं कि हमें यहाँ दो पैसे की बेनिफिट एक्स्ट्रा बेनिफिट हो, वहाँ परचेज करने को मतलब जाते हैं। तो हमारे यहाँ मेन लोग ये है कि चलो हमें सामान मिल जाता है, सेम चीज़ मिल जाता है, दो पैसे का फ़र्क होता है। जो मेडिसिन हमारे जितने कस्टमर है, कोई कस्टमर बताते हैं कि हम यही दवाई 15,000 का महीने का हमें लगता था, अब मेरा काम 2,000-2,500 रुपये में हो जाता है, 3,000 हो जाता है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है ना कस्टमर को, कहाँ 10,000 और कहाँ 3,000 में हो रहा है, तो 7,000 का डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आपकी दुकान पे कुछ ऐसी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं जो जन औषधि केंद्र के हिसाब से नहीं है, लोकल मार्केट में अवेलेबल हैं, क्या वो दवाइयों पे भी आप डिस्काउंट देते हैं? कितने परसेंट उस पे डिस्काउंट मिलेगा अगर कोई लेगा? अलग अलग आइटम का अलग अलग डिस्काउंट होते हैं, वो तो किसी का ये नहीं है कि सब पे मतलब कंपेयर नहीं कर सकते, किसी पे 50 भी है, किसी पे 60 भी है, किसी पे 80 भी है। तो इस चीज़ को आप नहीं बता, मतलब 100 ब्रांड है, मान लो 100 आइटम है, तो 100 का डिस्काउंट अलग होगा, उसको एक जैसे नहीं कर, डिस्काउंट तो अलग होगा। आपका कहने का मतलब है जो दूसरी दवाइयाँ हैं जन औषधि केंद्र के अलावा की भी, उन पे भी आपके यहाँ पे अच्छा डिस्काउंट है, मतलब मार्केट से आप कंपेयर करोगे तो उस पे भी बहुत ज्यादा कर सकते हैं।